के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन आज ही है तपस्या के लिए। तो आज हम 31/12/2005 के मुरली पढ़ेंगे, नए साल में 2005 का। इसमें बाबा ने बताया कि नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर वन बनो। आज बाप दादा चारों ओर के, चाहे सम्मुख है चाहे दूर बैठे, दिल के समीप है, सर्वों को तीन मुबारक दे रहे हैं। एक नव जीवन की मुबारक, दूसरी नव युग की मुबारक है, और तीसरी आज के दिन वर्ष की मुबारक है। नया वर्ष के लिए बाबा मुरली चला रहे हैं, आए हैं मिलने के लिए, तो नव वर्ष की भी मुबारक दे रहे हैं। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने व और मुबारक लेने आए हो। वास्तव में सच्ची दिल के खुशी की मुबारक है। आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो देते भी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी और सच्चे दिल से तो हमको ही होता है, ब्राह्मण आत्माओं को, तपस्वी आत्माओं को। तो इसलिए बोलता है सच्ची दिल के खुशी की मुबारक है। आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी और बधाई भी है। तो विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जो बेस है, फाउंडेशन है, संगम युग है। इसलिए वह बोलते हैं जो नए वर्ष पुराने वर्ष का संगम है उसका इसलिए इसका महिमा है। संगम जो यहाँ और संगम बता रहा है, जहां दो नदियां मिलते हैं वहां संगम होता है, उनकी भी महिमा है। जहां नदी सागर का संगम होता है उसकी भी महिमा है, जैसे गंगा सागर का मेला भी चलता है। तो लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की है, पुरुषोत्तम युग की है, जहां आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। ये नशा है ना, अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, क्या कलियुग में रहते हो, सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से कहेंगे, है ना? कलियुग तो है नहीं हमारे लिए, और सतयुग से भी उत्तम युग संगम युग है। तो वह बोलता है तो क्या फलक से कहेंगे, हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। आप कलियुगी नहीं हो, संगम योगी हो। संगम योगी याद रहने से ही हमारा बाबा भी साथ रहता है यहाँ पे हमारे साथ। तो और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है, क्योंकि हाँ बाबा आगे भी बता रहा है, क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है जो किसी भी युग में नहीं होता। तो मेला मनाने आए हो ना, तो आज हम भी बाबा का मेला मनाएंगे ना, व्यक्त बाप दादा आएंगे, है ना? तो आज का भी दिन हम मेला मनाते हैं सचमुच। तो आप कहाँ कहाँ से आए हो मिलन मेला मनाने के लिए? कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य अनुदा हुआ है ना, मेरे लिए भगवान नीचे भी आएगा, मुझसे मिलेगा, है ना, मुझे गोद में बैठाएगा। तो ऐसा भाग्य अनुदा हुआ है कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। था और है आत्मा का परमात्मा से मिलने का, है ना, ये भी खुशी की बात है। हर कल्प में हम ऐसे ऐसे मिलते रहेंगे। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं ना, भगवान वाह भाग्यवान बच्चे वाह, भगवान गीत गाता है हमारा। तो अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति, है ना, हम स्वयं भी गाते हैं वाह मैं वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार वाह, है ना, चार चीज वाह वाह, भाग्य का भी मैं खुद हूँ वाह वाह, है ना, और मेरा बाबा भी सबसे वाह बड़े वाह वाह है, और मेरा परिवार, उसका परिवार, प्रभु परिवार,
ना ये वाह वाह के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हो ना, तो यही योग की पहली सीढ़ी है वाह वाह का। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है कि किस किस बातों को विदाई देनी है। सोचे सभी ने तो सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयां मना सकेंगे। अंडरलाइन है, सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयां मना सकेंगे। ऐसे बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वो भी बधाइयां प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते हैं वह लेते हैं, वो सदा ही कैसे दिखाई देते हैं। संगम योगी फरिश्ता, जो आज का दिन का भी 18 जनवरी का भी हमारा एम है संगम योगी फरिश्ता बनना। तो सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो कुछ प्रवृत्ति का कर्मों का बोझ है वो दे दिया ना, तो फरिश्ता बनने का मुख्य है कि बोझ से मुक्त। तो बोझ सब बाप को दे दिया, तो वह बोलते हैं बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप आए हैं बच्चों का बोझ लेने के लिए, तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है ना? बोझ देना भी हमको नहीं आता, बाबा यहाँ सिखा रहा है। बोझ देना सहज है या मुश्किल है? जो समझते हैं बोझ दे दिया वो हाथ उठाओ, दे दिया है देखना सोच के हाथ उठाना। बोझ दे दिया है, अच्छा दे दिया है ना, बाबा कितना स्ट्रेस दे रहा है। तो मुबारक हो जो दे दिया है, बाबा बोलते हैं मुबारक हो, दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वो किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है क्या? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं ना, ओ मेरे बेफिकर बादशाह बच्चे, है ना, पहले समान मेरे बेफिकर बादशाह बच्चे, हम भगवान के बेफिकर बादशाह बच्चे हैं। तो बोझ का फिकर होता है ना, तो बोझ लेने के लिए आप बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्मों से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो ना, तो बोझ लेने के लिए भी बाप कितनी बार उसके मन में आ रहा है कि बच्चों का बोझ है और मैं ले लूं, और बच्चे दे भी नहीं रहे हैं। तो बाबा इसलिए बार बार कहता है बाप आया ही है बोझ लेने के लिए, तो बोझ दे दो। फिर भी क्यों रख लिया? अच्छा लगता है बोझ, सबसे सूक्ष्म बोझ है। अब बोझ कितने प्रकार के हैं? बोझ तो हमने जानते हैं ऊपर ऊपर से बहुत बोझ होते हैं, और सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। तो बाप दादा ने हर बच्चे इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा, तो बाप दादा ने क्या देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संस्कार की आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है। कम तो हुई है ना बाप दादा के बनने के बाद, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजोरिटी में रहा हुआ है किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प ये भी बोझ है, मां चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं है ना, वह बोलते हैं हमारे नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंट में दिखाई देता है। तो व्यर्थ संकल्प का संस्कार वाचा में भी दिखाई देता है ना, हमारा बाचा मतलब बोल भी कैसे कैसे थोड़े हल्के बोल हो जाते हैं, बोलते हैं बाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा, है ना। अभी भी धोखा देता है हमको, बाप से दूर कर देता है, हमारा याद तोड़ देता है। तो इसलिए वो बोलता है अभी भी धोखा देता है और आगे अंत समय में निमित्त बन जाएगा धोखा देने के। इसलिए आज
संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कारों को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। ये है रिजल्ट। तो पुरुषार्थ करने में करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कारण, तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता, अब तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पाते हैं, कारण यही है। जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी है ना, रावण को जलाते हैं। तो ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, है ना। जब बहुत ज्यादा योग करते हैं थोड़ा अच्छे से तो संस्कार थोड़ा मर्ज भी हो जाता है, लेकिन जलाया नहीं है तो बेहोशी से बीच बीच में उठ आता है, उठ जाता है। तो इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। अब हमको क्या करना है, संस्कार को मारने के साथ साथ जलाना भी है, और इसके लिए दृढ़ संकल्प। कहते हैं ना, क्या करना है इस नए वर्ष में, सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो, बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं, अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। प्यार से याद जरूर करते हैं, रूरियान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने के अभ्यास करते हैं, लेकिन अब लेकिन आता है, याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग का पावरफुल, योग को पावरफुल बनाओ। अब अटेंशन इसमें है, योग को पावरफुल बनाओ। इसमें क्या चाहिए ना, एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने चाहो, जितना समय एकाग्र होने चाहो, ऐसे एकाग्रता संकल्प किया और भस्म, ऐसी एकाग्रता चाहिए। तो इसको कहा जाता है योग अग्नि नाम निशान समाप्त। मारने में फिर भी लाश तो रहता है ना, तो भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ, जिस स्वरूप में रहना चाहो, मास्टर सर्वशक्तिवान, ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने, ये हो नहीं सकता। और एक नया शक्ति है समाप्त करने की शक्ति, मालिक हो, मास्टर कहलाते हो, मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो तो क्या वो मास्टर है। तो बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ ना कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है, और वो अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है, जो कर्म तक भी काम हो जाता है ना। तो मतलब वो संस्कार आके काम तक भी आ जाता है, मतलब हमारा कर्म में आ जाता है, युद्ध करनी पड़ती है। तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहता है। ऑर्डर करो, जी हजूर। तो सुना, इस वर्ष के प्रति क्या करना है, है ना, योग को भस्म, योग से संस्कारों को भस्म करना। तो शक्तिशाली बेफिकर बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है, किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं, हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे, अपने को राज्य भी कहलाते हैं। प्रजा योगी है क्या कोई, है सारी सभा में जो प्रजा योगी हो, है जो प्रजा योगी हो, राजयोगी नहीं हो। टीचर्स कोई है आपके सेंटर पर, कोई प्रजा योगी है, कोई बोलेंगे प्रजा बनने के लिए, है ना, कोई भी नहीं बोलेगा मैं पियन बनूंगा, सब बोलेंगे मेरा बाप, मेरा बच्चा अफिसर बनेगा। तो ऐसा है, आपके सेंटर पर कोई प्रजा योगी है, कहलाते तो सब राजयोगी है, हाथ कोई नहीं उठाता प्रजा योगी में, अच्छा नहीं लगता ना। और बाप को भी फकुर है, बाप दादा फकुर से कहते हैं कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है। तो लेकिन बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है ना, एक और अच्छे से समान, स्वराज्य अधिकारी राजा। तो प्रजा योगी में हाथ नहीं उठाया ना, तो राजा हो ना, लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आए नहीं, है ना, कमजोर राजा नहीं बनना। पीछे वाले कौन हो, जो समझते हैं राजयोगी है वो हाथ उठाओ। ऊपर भी बैठे हैं गैलरी में, आज हाल में 18,000 भाई बहने बैठे, तो बाप दादा देख रहे हैं, हाथ उठाओ ऊपर वाले। तो अभी ये लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा, तो 3 मास बाप दादा देते हैं, ठीक है देवे,
हमारा लास्ट टर्न हमेशा मार्च में होता है, तो ये दिसंबर का मुरली है, 1 जन 31 दिसंबर, तो इसलिए वहाँ 3 मास टाइम दे रहा है हमको, तो हम भी 3 मास टाइम लें। 3 मास बाप दादा देते हैं, ठीक है, देवे होमवर्क देंगे, क्योंकि ये बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा, ये फायदा है होमवर्क लेने का और करने का। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना है। बाबा स्ट्रेस में ज्यादा फोकस दे रहा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान होकर किसी भी कर्म इंद्रियों को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करे, जो ऑर्डर करे, वो प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना, ये हम चार्ट में अपना ऐड कर सकते हैं आज से। तो कर सकते हो, पहले लाइन वाले कर सकते हो, हाथ उठाओ। अच्छा, 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे, अलबेले नहीं बनना, रयाल अलबेलापन नहीं लाना, हो जाएगा। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं ना, कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। बाप दादा क्या करेगा, है ना, सुन सुनकर मुस्कुरा देता है। मुस्कुराना भी बाबा का है ना, वैरायटी मुस्कुराना है, समझना है मेरे से खुश होकर मुस्कुरा रहा है या मेरे कमी पे मुस्कुरा रहा है। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। बाप दादा ये 3 मास के लिए बाबा बार बार बोल रहा है, तो मंजूर है, हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठाना, सभी के कारण हाथ नहीं उठाना, सभी को देख के करना ही है, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, करना ही है। मीन्स मास्टर सर्वशक्तिमान कर्म इंद्रियों को चलाने का चार्ट, पक्का 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 3 बार बोला। टीचर्स करना है, टीचर्स को पूछ रहा है, अच्छा ये ताज वाले बच्चे क्या करेंगे, ताज तो अच्छा पहन लिया है, करना पड़ेगा। अच्छा देखना बच्चे हाथ उठा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या करें, वो भी बता दो ना। फिर बाप दादा की सीजन में एक बार आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए पनिशमेंट है बाप दादा से मिलने नहीं देना, तो ये बाप दादा पनिशमेंट दे रहा है, समय आपका इंतजार कर रहा है, तो बाप दादा आने नहीं देगा। आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, आप इंतजाम करने वाले हो, समय आपका इंतजार कर रहा है, प्रकृति भी, सत्व प्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। तो 3 मास में अपने शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कारों को परिवर्त करना, ये 3 मास का होमवर्क। अगर 3 मास में अटेंशन रखा ना, तो उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा। एक बारी विधि आ गई ना परिवर्तन की, तो काम में आएगा बहुत। समय का आप इंतजार नहीं करो, कब विनाश होगा, कब विनाश होगा, सब रूह रियान में पूछते हैं, बाहर से नहीं बोलते लेकिन अंदर बात करते हैं, पता नहीं कब विनाश होगा, 2 साल में होगा या 10 साल में होगा, कितने साल में होगा। आप क्यों समय का इंतजार करो, समय आपका इंतजार कर रहा है। तो बाप से पूछते हैं तारीख बता दो, थोड़ा सा वर्ष बता दो, थोड़ा सा वर्ष बता दो, 10 वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष लगेंगे, कितना वर्ष लगेंगे। बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, आप सब बापसमान बन गए हो, पर्दा खोले कि पर्दा खोलेंगे तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है, अगर एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए, तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी, एवर रेडी तो हो जाओ, हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय खुश किया है ना। अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है, बाप समान बनना है, इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं, उठाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा बाप ने देखो साकार में, अब ब्रह्मा बाप का एग्जाम्पल देके हमको और फोकस कर रहा है हमारा, ब्रह्मा बाप ने देखो साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। तो ब्रह्मा बाप ने 3 चीज किया, त्याग तपस्या और सेवा, लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया, अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण करने की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई, याद है ना, लास्ट मुरली 3 शब्द का वरदान है ना, निराकारी, कल का वरदान में था ना, निराकारी निरंकारी, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, तो 3 शब्द का वरदान याद है, जिसको याद है वो हाथ उठाओ। अच्छा सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी कैसा किया ना, त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा है ना। अब बच्चों ने कितना प्यार से प्रभाव आपको कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया, स्वयं नहीं यूज किया है ना, तो पुराना त्याग, नया
इस दुनिया में कोई नया हमको पसंद नहीं हो, स्वयं नहीं नहीं यूज किया और सदा 2:30-3 बजे है ना उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ते बने, है ना, जो आज का दिवस हम मना रहे, जो सोचा वो करके दिखाया। कहना सोचना करना तीनों समान, ये तपस्या है। कहना सोचना करना तीनों समान, फॉलो फादर, लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी, त्याग तपस्या सेवा तीनों, फॉलो फादर। अखंड महादानी, महादानी नहीं अखंड महादानी, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया, अंत तक, लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। अभी बच्चे तो आधार लेते हैं बैठने का, है ना, हम चेयर में बैठने की कोशिश करते हैं ना, तो लेकिन ब्रह्मा आपने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा, आंखों में चश्मा नहीं डाला, ये सूक्ष्म शक्ति है निराधार, हमारा योग भी ऐसे निराधार हो। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति हवा पानी दूषित हो रहा है, इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं है क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो, पहनो भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ, स्थिति के ऊपर है ना, हमारी स्थिति हमेशा शक्तिशाली रहे, बाकी कोई चीज बाबा का कोई इशारा है, बाकी सब कुछ करो लेकिन स्थिति को नीचे नहीं। सारी विश्व का कार्य समाप्त किया है, बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है, हे समझते हैं कि विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है, ओ हाथ उठाओ, एक भी नहीं तो कैसे कहते हो विनाश होगा, काम तो पूरा किया नहीं है ना। सभी पूछते हैं नए वर्ष में क्या करेंगे, क्वेश्चन है, बाप दादा कहते हैं संदेश देने का मेगा प्रोग्राम तो बहुत किए हैं, बाप दादा मुबारक देते हैं, किया है और अच्छा किया है, लेकिन संदेश दिया है, अनुभव नहीं कराया, इसके लिए जैसे अभी जहां तहां एक दो को उमंग उत्साह दिलाते या उमंग उत्साह देख करके भी उमंग उत्साह से किया है, रिजल्ट भी अच्छी है, लेकिन अब ऐसा प्लान बनाओ जिसमें रयाल प्रजा तो बन जाए, रयाल प्रजा क्या है ना, रयाल प्रजा अर्थात नजदीक कनेक्शन में आने वाले, संबंध संपर्क में है, पहले तो 9 लाख तैयार करो, अभी 9 लाख हो गए हैं, पूछ रहे बाबा हुए हैं 9 लाख हुए हैं, कौन लिस्ट निकालता है, तो लिस्ट कोई बोला लिस्ट अभी आएगी, पिछले साल की 8,12,000 तो, लेकिन 9 लाख अगर तैयार हुए हैं तो किस प्रकार के तैयार हुए हैं, है ना, किस प्रकार की वो भी है, तो क्या नजदीक रयाल प्रजा के योग्य है, तो रयाल प्रजा मतलब नजदीक कनेक्शन में आने वाले, ऐसे नहीं दूर से सहयोगी है, ये तो चेक करना पड़ेगा ना। अच्छा अभी पोता मेल निकालना, एक तो 9 लाख पहले जन्म की प्रजा रयाल फैमिली तो चाहिए ना, अगर विनाश काल कर दे तो रयाल प्रजा तैयार है तैयार कि तैयार करना पड़ेगा, ऐसे मिलाएंगे तो मिल भी जाएगा 9 लाख, लेकिन क्वालिटी चाहिए, संबंध संपर्क वाले मिलाएंगे तो 9 लाख हो जाएंगे, है ना, देश की प्रजा भी क्वालिटी होते है ना, तो उस टाइम का लक्ष्मी नारायण का प्रजा कैसे होना चाहिए, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले जन्म वाली प्रजा है ना, जो अच्छे नंबर वाली होगी ना, क्योंकि उनको भी सब 1-1 नंबर मिलना है ना, सभी में चारों सब्जेक्ट में 1-1 नंबर मिलना है, 1 नंबर तारीख 1 होगी, संबत 1 होगा, राजाई 1 होगी, तो ऐसा क्वालिटी पहले ये चेक करो, 9 लाख तैयार है, रयाल प्रजा तैयार है, रयाल फैमिली तो तैयार होनी चाहिए, ये भी थोड़ा भी सिर्फ इस वर्ष में संस्कार को खत्म करना है, तो बाप दादा ये संकल्प है कि हर सेंटर इस योग अभ्यास का ऑफिशियल प्रोग्राम अपने अपने सेंटर में रखे और लक्ष्य रखें कि एक ही तारीख पर देश विदेश का समय मिलाकर अखबार में निकले कि ब्रह्मा कुमारियों के इतने सेंटर्स में एक ही समय ये प्रोग्राम होना है, अब हो रहा है ना, 3 दिन से हम लोग कर रहे हैं, 2 दिन हो गया, तो ये देखो और एम रखो, सिर्फ कम्युनिटी से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ, अनुभव पक्का बनाती है, जब साथ में करते हैं हम 3 दिन में हम सबने अनुभव किया होगा, अभी कर रहे होंगे, तो एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम हो और हर एक सेंटर अनुभव क्या किया वो रिजल्ट लिखे, चाहे 3 दिन का प्रोग्राम कराओ, वाह बाबा ने 3 दिन का प्रोग्राम बात कर रहा है, चाहे 1 दिन का कराओ, लेकिन इकट्ठे चारों ओर, जैसे थर्ड संडे सभी जगह रखते हो ना, सबको मालूम होगा थर्ड संडे हम करते हैं इंटरनेशनल योग 6:30 से 7:30 शाम को, तो वो बाबा बोलता है थर्ड संडे सभी जगह रखते हो ना, अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों ओर एक समय लक्ष्य एक हो, लक्ष्य एक समय एक और चारों ओर हो, तो देश वाले भी समझेंगे,
ये विश्व में पीस के लिए इतना इकट्ठे एक समय प्रोग्राम रखा है ना, हम अभी रखा है ना साइलेंस की भट्टी, तो लक्ष्य रखो अनुभवी बनाने का, सिर्फ सुनकर चले जाए नहीं, जले नहीं जाए, कुछ अनुभव करके जाए। आप लोग भी बाप के बने के से कुछ ना कुछ अनुभव किया, चाहे प्यार किया, चाहे टोली खा के भी प्यार का अनुभव किया, बहनों का व्यवहार का अनुभव किया है ना, बहनों के मुस्कुराने का है ना, आजयन मतलब खातिरी करने का अनुभव किया, कुछ ना कुछ अनुभव किया तो अभी तो बने हैं। तो ऐसे अनुभवी बनाओ, अभी अखंड सेवा करो, बहुत सेवा रही हुई है। अच्छा आज के दिन मुबारक तो एक दो को दे दी ना, दूसरा क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। बाप दादा के पास भी कितनी गिफ्ट आई है, कार्ड आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट भेजी है। आप लोग उठ उठकर देखना तो वास्तव में जो भी आपके पास आए हैं खाली नहीं जाए, ये ध्यान रखना है। चाहे मनसा से शक्ति देने की गिफ्ट दो, चाहे वाणी द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, कर्म द्वारा गुणों की गिफ्ट दो, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा तीनों, लेकिन हर एक जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको गिफ्ट जरूर दो, खाली हाथ नहीं भेजो। आप मास्टर दाता हो, मास्टर दाता के पास आवे और खाली हाथ जावे ये नहीं हो, अखंड महादानी बनो। अखंड कहे कह रहे हैं, अखंड 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 3 बार, तो कोई ना कोई सेवा करते रहो, चाहे मनसा करो, चाहे वाणी करो, चाहे कर्म करो, चाहे संबंध संपर्क से करो, है ना, चारों प्रकार से अखंड सेवा सेवाधारी। कई बच्चों को बाप से रूह रियान करते कई बच्चे सुनाते हैं कि अमृत वेले सुस्ती का वाइब्रेशन थोड़ा होता है, उठते जरूर है लेकिन पावरफुल शक्तिशाली रूप से स्वयं की स्व के प्रति व विश्व के प्रति शक्ति देना, वो थोड़ा सा थकावट की रेखा होती है। तो उस समय ऐसा नहीं समझो, क्या समझना है कि हम सेंटर के योग के कमरे बैठे हैं, बाबा के कमरे बैठे हैं, क्लास रूम में बैठे हैं, लेकिन ऐसा समझो अब शक्तिशाली वायुमंडल बनाने के लिए, स्थिति बनाने के लिए अमृत वेले क्या समझना है, न ऐसे समझो विश्व की स्टेज पर बैठे हैं, हीरो पार्टधारी है और स्टेज पर बैठे हैं, है ना। तो अगर हीरो पार्टधारी थका हुआ पार्ट बजाएगा तो कैसा बजाएगा, वायुमंडल कैसे चलेगा, कैसे फैलेगा। तो अमृत वेले भी पावरफुल बनाओ, नियम अच्छा निभाते हो लेकिन सुनाया ना अभी, योग सर्वशक्तियों से पावरफुल तो हो, योग अग्नि हो, ज्वालामुखी हो, तो ये 3 मास विशेष अमृत वेला भी नोट करना। बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, प्यार के स्वरूप में भी होते हैं लेकिन ज्वाला रूप कम होता है, अभी संस्कार का अंश मात्र भी नहीं रहे तब कहेंगे ज्वाला रूप योगी तू आत्मा। अब यहीं पे हम आज एंड करते हैं, फिर बाकी 20 तारीख को पढ़ेंगे। अब आगे याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले फरिश्ता का उमंग उत्साह का पंख होता है, इसलिए होता है चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चों को, सदा विजयी रत्न है, हर कल्प में विजयी बने थे, अब भी है और हर कल्प में विजयी है ही है, ऐसे विजयी बच्चों को, इतना दृढ़ हो हमारे में, ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ना संसार की आकर्षण ना संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। अब 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर शेयर करेंगे। थैंक यू।
शांति, थैंक यू भाई जी। अभी सभी अपने मनन चिंतन शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि पुराने संस्कार का कुछ न कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है और वह अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है, जो कर्म तक भी काम हो जाता है। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार वश करने की आवश्यक है और इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि चाहे मनसा से शक्ति देने की गिफ्ट दो, चाहे वाणी द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, कर्म द्वारा गुण की गिफ्ट दो, लेकिन हर एक जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको गिफ्ट जरूर दो। आप मास्टर दाता हो, मास्टर दाता के पास आवे और खाली हाथ जावे यह नहीं हो। अखंड महादानी बनो। अखंड कह रहे हैं कोई ना कोई सेवा करते रहो, चाहे मनसा करो, चाहे वाणी करो, चाहे कर्म करो, चाहे संबंध संपर्क से करो, अखंड सेवादारी बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओ मेरे बेफिक्र, बाबा कहते हैं ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, तो बोझ का फिक्र होता है ना, तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है, अच्छा लगता है क्या? सबसे सूक्ष्म बोझ पुराने संस्कार। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, आप इंतजाम करने वाले हो, समय आपका इंतजार कर रहा है, प्रकृति भी सत प्रदान, प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। 2-3 मास में अपने शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना, अगर 3 मास अटेंशन रखा ना तो उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा। एक बारी विधि आ गई ना परिवर्तन की तो काम में आएगा बहुत। समय का आप इंतजार नहीं करो, कब विनाश होगा कब विनाश होगा, सब रो रहे में पूछते हैं, बाहर से नहीं बोलते लेकिन अंदर बात करते हैं, पता नहीं कब विनाश होगा। आपको समय का इंतजार करो, समय आपका इंतजार कर रहा है। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आप मालिक बनकर शक्तियों को ऑर्डर करो। थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी चाहिए था कि शक्तियां माना अष्ट शक्तियां या दूसरी कोई शक्ति बाबा बोल रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बोला कि सदा के लिए परिवर्तन करने में 3 पुरुषार्थी पर अटेंशन दिलाया हमें। फिर बाबा ने ये भी बताया कि कारण क्या है, रावण को मारा भी है लेकिन सिर्फ मारा है, जलाया भी करना है। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश होते हैं संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाते हैं। इसलिए इसके लिए पुराने संस्कारों का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का टेंशन रखो। फिर बाबा ने हमें ये 3 माह के लिए ये प्रोजेक्ट वो भी दिया कि अगर हम इस पर कार्य करेंगे तो ये पुराने संस्कार हमारे जा सकते हैं। इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प का टेंशन रखना है, क्योंकि हम भी देखते हैं अभी भी कुछ ना कुछ हमारे संस्कार आ जाते हैं पुराने, कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। छुपे हुए जो होता है वो धोखा दे देता है। बाबा ने इस पे हमें अटेंशन भी दिलाया कि संस्कार समय पर धोखा दे देता है और अंत में भी ये धोखा देने के निमित्त बन सकता है, तो हमें इस पर पूरा पूरा विजय पाना है।
संपूर्ण दृढ़ता को धारण करना, और बाबा की शुभकामनाएं भी मिली है आज हमें स्मृति दिवस पे। बाबा स्मृति दिवस समर्थि दिवस बनाने का भी दिवस है, तो ये हमारे लिए बहुत पावरफुल संकल्प है, और संकल्प को लेंगे तो हमारा हम अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे भाई जी ने पूछा ना कि शक्तियों के बारे में, कि अष्ट शक्तियों का आह्वान करना या सब शक्तियों का, तो मेरे हिसाब से तो सभी शक्तियों का आह्वान करना पड़ेगा। कि जैसे बार बार विकार कितने बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म हमारे अंदर कमजोरियां हैं, तो जब वो सूक्ष्म कमजोरियां इमर्ज होती हैं तो उसको खत्म करने के लिए हमें उसी प्रकार की शक्ति का आह्वान करना पड़ेगा। जैसे आज बाबा ने समाप्त करने की शक्ति के बारे में भी बोला है, तो समाप्त करना उसको मतलब बिल्कुल जला देना उस संस्कार को। अनुमान करना ये भी एक विकार है, जैसे बहुत बार अनुमान ही करते रहते हैं तो उसको भी जलाना। तो ये और भी कई सूक्ष्म हमारे अंदर जब बात आती है तो उसी टाइम उसको जला देना, खत्म कर देना, शक्ति का आह्वान करके उसको खत्म कर देना। तो मेरा ख्याल से तो सब शक्तियों में ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है ना, तो सब शक्तियों का आह्वान ही करना पड़ेगा। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो यहाँ पे जब हम मास्टर सर्वशक्तिमान की बात करते हैं तो इसी में हमारे वो सब शक्तियां आ जाती हैं। जैसे जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होंगे, समृद्धि में रहेंगे, उतना सर्वशक्तियां सदा ऑर्डर में रहेगी। तभी ऑर्डर में रहेगी जब हम समृद्धि में रहेंगे। अगर हमारी थोड़ी सी भी समृद्धि सीट से हम नीचे आते हैं तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी जो ये स्थूल कर्म इंद्रियां हैं जिस समय जैसा ऑर्डर करते हैं उस समय वो ऑर्डर पर चलती है और सीट पे सेट रहना पड़ता है। तो ऐसे मैं सोचती हूँ कि मेरा तो ये मंथन भी चलता है कि ये सूक्ष्म जो शक्तियां जो आप हमारे ऑर्डर पे चलने वाली होती है तो वहां पे हमें चेक करना पड़ेगा सारा दिन में, सर्व शक्तियां ऑर्डर में रही। अगर ऑर्डर में रहती है तो सर्व शक्तियां हमारे ऑर्डर पर रह करके अंत में भी हम सफलता की ओर पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे को बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इस अभ्यास के लिए हमें विश्व के राज्य जो विश्व राज्य हाथ कुछ ऐसे आत्मा चाहे कैसी भी हो, जैसे भैया ने बोला कि भाई वो हमारा कैसा वो करेंगे, क्योंकि आत्मा चाहे कोई है कैसी भी है, लेकिन हमारे अंदर वो प्योरिटी की रियलिटी और मनसा में सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना होनी चाहिए, तभी वो शक्ति काम करेगी। क्योंकि कल्याण की भावना होगी, रहम की भावना होगी, तो हम दातापन की भावना में वो कार्य कर सकते हैं। और दृष्टि में या सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप में देखने में आए, आत्मिक स्वरूप ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हम फरिश्ता स्वरूप भी देख सकते हैं, चाहे वह फरिश्ता है चाहे नहीं है, लेकिन मेरी दृष्टि में उसका फरिश्ता रूप होना चाहिए। बाबा बोलते सब आप लोगों की दृष्टि में वो आत्मिक रूप भी होना चाहिए, इसीलिए हम ये सर्व शक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं और आह्वान भी करते हैं, और साथ में सीट पे सेट भी रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा बाप आज ब्रह्मा बाप का स्मृति दी ने ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा, आंखों में चश्मा नहीं डाला, तन से बीमारी आई लेकिन मन तो बाबा शिव बाबा के पास रखा। वो तो साकार रूप में रहते ही निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहा, ऐसे ही अब सो ही आत्मा में धारण कर गया। बाबा का जो कर्म है वो का कर्म है। ओम शांति। ओम शांति। बोलो बोलिए बोलिए बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज संगम युग के बारे में बताया, कलयुग नहीं है संगम युग है। भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है जो कि जो किसी भी युग में होता नहीं होता। तो मेले में मनाने और आप मिलन मेला मनाने के लिए कहो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा पूछते हैं इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना है,
शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं, हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे, अपने को राजयोगी कहलाते हैं। प्रजायोगी हैं क्या, कोई है सारी सभा में भी प्रजायोगी हो है, जो प्रजायोगी है वो राजयोगी नहीं है। टीचर्स कोई है आपके सेंटर पर, कोई प्रजायोगी है कहलाते तो सब राजयोगी हैं। प्रजायोगी में हाथ कोई नहीं उठाता, अच्छा नहीं लगता है ना। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम हो रही है दीदी। ओम शांति। बाबा बोला, बाबा बोला जे आपने पुरानो संस्कार ओ जोग अग्नि से भस्म करो, ये नया वर्ष हो अब निजे फ्री हो जाए, जा बुझा जे सब आमाके दिए दो। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने मुरली में यही बात कही है, रहे हुआ पुराना स्वभाव संस्कार को खत्म करना है। बाबा ने 3 टाइम दिया है, उसके लिए ज्वालामुखी योग करना है, इसके लिए एकाग्रता शक्ति है ना, ये विशेष चाहिए संस्कार भस्म करने के लिए। एकाग्रता शक्ति माना क्या है, संकल्प किया और भस्म है ना, इसके इसको कहते हैं योग अग्नि, नाम निशान समाप्त। हम आज स्मृति दिवस पर, विशेष दिवस पर ऐसे हमारा स्वभाव संस्कार को, पुराने स्वभाव संस्कार को, रहा हुआ पुराना स्वभाव संस्कार को देखे और आज दृढ़ संकल्प के साथ योग अग्नि के साथ उसको भस्म करने का हम प्लान अवश्य करेंगे। अगले 3 मास के अंदर हमारे वो जो भी हम फाउंड किया है पुराना स्वभाव संस्कार, उसको भस्म करने का 3 मास का हम प्रोजेक्ट अपने आप के लिए खुद करेंगे आज स्मृति दिवस पर। सो अच्छा, आप सभी को स्मृति दिवस का मुबारक हो। बाबा मिलेंगे भाई जी। थैंक यू एवरीवन। यू करें 2 मिनट। सम्मान लेंगे पहले, मैं बाबा का राजा बच्चा हूँ, बेफिकर बादशाह हूँ, अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म जो संस्कार ऐसे अनुभव कर रहा हूँ, बाबा के हाथ में दे रहा हूँ। फरिश्ता बाबा मेरे सामने हाथ फैला के खड़ा है, मेरे सब संस्कार कमी कमजोरी बाबा को देके मैं हल्का फरिश्ता बन रहा हूँ। धीरे धीरे मैं फरिश्ता इस शरीर से निकल बाबा के बाहों में समा रहा हूं। बाबा मुझे गले लगा रहा है, और दृष्टि से सब मेरा पुराने संस्कार भस्म हो रहा है। मैं हल्का बन बाबा के गोद में बैठ जाता हूँ और सारी विश्व की आत्माओं को आज अव्यक्त दिवस पर विशेष शक्तियों का सहयोग का
परमात्मा प्यार का अनुभव करा रहा हूँ। सभी ब्राह्मण आत्माओं के साथ साथ पूरे विश्व की परमपिता परमात्मा के संतान एक एक आत्माओं को मैं परमात्मा प्यार का संदेश दे रहा हूँ। बहुत एकाग्रता के साथ ओम शांति। थैंक यू सभी को। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप सबका। हैप्पी बाबा मिलन। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छी वाइब्रेशन आ रही थी। बाबा मिलन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।